इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 16। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 16। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होमबलि और मेलबलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाप था, और उसके नीचे जकरियाह था, फिर ईएल, शमीरामोत, यहीएल, मतित्याह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और ईएल थे। ये तो सारंगिया और वीनाए लिए हुए थे, और आसाप झांझ पर राग बजाता था, और बनायाह और यहजीएल नाम याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहिया बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्यायवचन स्मरण करो। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने हमारे हजार पीढ़ियों के लिए ठहरा दिए। वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो थे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहे कि यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है सो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह कहो
कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों में से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदुतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिलाद के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढ़ाया करे और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है जिसे उसने इस्राएल को दिया था। और उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के अनुसार उसका धन्यवाद करे। और उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरहिया और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजी दिए और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया।